अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बनाएंगे मूंग दाल की चाट। चाट का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है कि नहीं। और इस चाट की सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो इस चाट को आप ब्रेकफास्ट या लंच में ले सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाते कैसे हैं। मूंग दाल की चाट बनाने के लिए मैं यहाँ मेजरिंग कप से आधा कप मूंग की दाल ली हूँ और इसे मैं एक घंटे के लिए पानी में भिंगो के रख दी थी। पर अगर आप लोग को चाट बनाने की जल्दी हो तो आप इसे हल्का गर्म पानी में 15 मिनट के लिए भिंगो के रख सकते हैं। और इसे मैं अच्छे से क्लीन भी कर चुकी हूँ और इतने दाल में आप 3 लोग को सर्व कर सकते हैं। तो अब आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। अब एक पैन में पानी बॉयल होने के लिए रख देंगे, तो कवर कर देते हैं इसे ताकि पानी में जल्दी से बॉयल आ जाए। तो पानी में बॉयल आ चुका है तो अब इसमें मूंग की दाल डाल देंगे, साथ में आधी छोटी चम्मच नमक डाल देंगे, मिला देंगे। अब इसे कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। कवर कर देते हैं इसे और बीच बीच में इसे चलाते भी रहेंगे। तो मूंग दाल को पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है और इसे 50 से 60% ही पकाना है, बहुत ज़्यादा इसे कुक नहीं करेंगे। तो ये देखिए मूंग दाल पक के रेडी हो चुका है। तो अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसका पानी छान लेते हैं। तो अब एक छन्नी लेंगे और उसमें मूंग दाल को छान लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मूंग दाल कितनी खिली खिली बनी है। तो मूंग दाल की चाट के लिए दाल को ऐसे ही पकाना है। इसे अब हल्का ठंडा कर लेते हैं। अब एक मिक्सिंग बाउल में मूंग की दाल को ले लेंगे और इसमें आधा कद्दूकस किया हुआ गाजर डाल देंगे। आप चाहें तो गाजर को छोटा छोटा काट के भी डाल सकते हैं। एक छोटे साइज का टमाटर डाल देंगे इसमें, लगभग 2 बड़ा चम्मच प्याज डाल देंगे, एक हरी मिर्च डाल देंगे छोटा छोटा काट के, लगभग 4 बड़ा चम्मच धनिया पत्ता, 2 बड़ा चम्मच पुदीना पत्ता इसमें ऑप्शनल है, 1/4 टीस्पून भुना हुआ जीरा, 1/4 टीस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून भुना हुआ लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून चाट मसाला और लगभग 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस डाल देंगे। और लास्ट में इसमें आधी छोटी चम्मच नमक डाल देंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये चाट देखने में कितनी कलरफुल लग रही है और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो हेल्दी चाट बनके रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो देखें ये रेसिपी कितनी झटपट बनके रेडी हो गई। अगर आप वेट लॉस पे हैं तो आप इसे अपने एक मील में इंक्लूड कर सकते हैं। ये रेसिपी आपके वेट लॉस में बहुत हेल्प करेगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल को जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा कि हमारे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ।